हाय लव्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरोहीज व्लॉग्स। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज, सो अभी मुझे मार्केट जाना है बुक्स को चेंज कराने के लिए, एंड इस बार हमें कॉलेज से बहुत लेट बुक मिल रही है। और हालांकि अगस्त में हमारे एग्ज़ाम्स हैं सेकेंड सेमेस्टर के, तो अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। तो अब एक ऑप्शन नज़र आया है, हमने सोचा कि चलो बाहर से बुक्स परचेज कर लेते हैं। तो वही कॉलेज की बुक्स लेने मुझे बाहर जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तिलक नगर है, वहाँ पे बुक स्टोर है बहुत सारे, तो वहाँ पे सारी बुक्स इजीली मिल जाती हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे, और कॉलेज की सेकंड सेमेस्टर की बुक्स भी लेकर आनी है, और मार्केट भी जाना है, थोड़ी शॉपिंग बाकी है। तो मैंने सोचा कि एक दो चीज़ें लेनी अभी बाकी है, तो फिर मैं उसको आज ही निपटा दूँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। एंड ये मैं अभी नहीं बताऊंगी कि किस चीज़ की शॉपिंग, कैसी शॉपिंग, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वन बाय वन नेक्स्ट व्लॉग्स में पता चलता रहेगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड खूब सारा प्यार दें। और आधी शॉपिंग, आधी के आधे से ज़्यादा शॉपिंग तो मैंने ऑनलाइन करी है, बट गाइज डेज बहुत पास है और ऑर्डर आने का कुछ पता नहीं है अभी कि कब आएगा और वो कब नहीं आएगा। तो ये ऐसा, मतलब ऐसा टाइम है, जैसे कि हमारी जो फ्लाइट है वो है 18 की, और मेरा जो ऑर्डर है वो है 15 और 19 के बीच में, वो कभी भी आ सकता है। तो मैंने सोचा कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, 15 निकल चुकी है या 16 हो चुकी है, तो दो दिन बचे हैं हमारे पास। तो अगर मैं उस ऑर्डर के वेट में रह गई तो मैं शायद कुछ ले भी नहीं पाऊँगी। तो अब मैंने सोचा है कि अगर ऑर्डर आ गया तो मैं ऑर्डर रख लूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तो फ़िलहाल इसका कुछ अता पता है नहीं, तो जो मैंने ऑर्डर किया था अगर मुझे कुछ वैसा ही मार्केट में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो वही अभी मार्केट में हम वो चीज़ें देखते हैं, अगर मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो कुछ नहीं कह सकते। तो चलते हैं पहले मार्केट। एंड गाइस, इतनी गंदी धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा गंदी धूप हो रही है ना, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं पागल हो गई थी जब मैं कल मार्केट गई थी बुक्स के लिए। ऐसा लग रहा था ना कि मतलब जैसी ऐसी हवा आ रही तो लग रहा कि एकदम से बॉडी जल रही, पता नहीं बॉडी पर क्या डाल दिया हो। तो अब हम चलते हैं मार्केट एंड फिर मिलते हैं बाद में। सो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ एंड मार्केट का मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया बिकॉज इतनी गंदी धूप थी मार्केट में, इतनी ज़्यादा गंदी, ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी कुछ जल रही है। और फिर मुझे ऐसा था कि बस मुझे यहाँ से फटाफट से निकलना है, और मेरे हाथ में ना सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि जो बुक्स हैं ना वो काफ़ी मोटी मोटी हैं और उनमें ना बहुत ज़्यादा वेट है। तो वो तो भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ में इतना पेन हो रहा है, साइड में बहुत बहुत पेन होने लगा एकदम से, क्योंकि वो बहुत भारी थी और मैं अकेली गई थी। एंड फिर मैंने सोचा, उस टाइम फ़ोन संभालना मुश्किल था, पर्स संभालना मुश्किल था एंड बुक्स संभालनी मुश्किल थी। फ़ोन का भी डर लग रहा था कि फ़ोन ना गिर जाए, पर्स का भी डर था कि पर्स ना चला जाए कहीं। तो मतलब बाल भी देख रहे हो कितने गंदे हो गए हैं, बिल्कुल एकदम ड्राई से हो चुके हैं, बहुत मुश्किल था। तो मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, बाकी मैं आप लोगों को बुक्स दिखाती हूँ जो मैं बुक्स लेकर आई हूँ। राइट, ये वाली बुक है गाइस पॉलिटिक्स की, एंड दिस वन हिंदी, ये वाली हिंदी है, और ये मेरी है एनवायरमेंटल स्टडीज। देन नेक्स्ट वन, दिस इज़ माय हिस्ट्री, ये मेरी हिस्ट्री की बुक है एंड इसमें सारी थ्योरी है। वैसे मैं 10 ईयर्स की लेने गई थी, आंसर्स थे, क्वेश्चन आंसर्स थे, तो मैंने वो वाली बुक भी रखी है। और इसमें थ्योरी पार्ट है, पूरा थ्योरी है। सो जब तक मैं थ्योरी नहीं पढ़ूंगी तब तक मैं 10 ईयर्स पढ़कर क्या करूँगी है ना, तो इसमें पूरा थ्योरी है। एंड इसमें ना लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी ईजी है, जो हमें कॉलेज की बुक मिलती है ना उसके कंपेयर में इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी व्हाट अस क्या बोल रही हूँ मैं, थोड़ी ईजी है। तो देख सकते हो आप लोग, ये बुक्स है मेरी। और भी मैं लेकर, और यस मैं एक चीज़ और लेकर आई हूँ। वैसे मुझे गाइस परफ्यूम कलेक्शंस करने का बहुत शौक है, ये मतलब मेरी अच्छी आदत मान लो या बुरी आदत मान लो मुझे नहीं पता, बट मुझे परफ्यूम कलेक्शन का बहुत 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 ज़्यादा शौक है। और मैं अपने कलेक्शन आप लोगों के साथ एक दिन बहुत ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे पास कितने सारे कलेक्शन हैं परफ्यूम के। आज मैं एक और नया लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ। अब यार मार्केट जाओ, ऐसा हो सकता है कि कुछ ना लेके आओ, है ना। तो
तो गाइज ये एक और मैं परफ्यूम लेकर आई हूँ, इसको मैं खोल के ओपन करके दिखाती हूँ अच्छे से। सो गाइज ये वाला परफ्यूम आज मैं न्यू लेके आई हूँ एंड इसकी फ्रेग्रेंस आय हाय ऑसम। इसको खोलने दो, रुक जाओ, आओ, इसमें तो नेल्स है, इससे नहीं खुलेगा ये। सो दिस वन बहुत आओ बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है इसकी, और इसकी कैप कितनी प्यारी लग रही है ना, क्यूट सी लग रही है एकदम। इन गाइज इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो एक नंबर की है, इसको मैं अभी यूज़ करूँगी। सो मेरी कलेक्शन में एक परफ्यूम मेरा और ऐड हो गया, एक मेरा एक परफ्यूम और बढ़ गया मेरे कलेक्शन में। इसका ये वाला बॉक्स था एंड दिस वन। सो ये रहा, हाय मिल जावा। सो यूज़ करके दिखाती हूँ मैं इसको। अंडरआर्म्स, यस, मैं इंदौर में इसको, मैं ये बताती हूँ मैं इसको कहाँ कहाँ यूज़ करती हूँ, मतलब इसको क्या मैं परफ्यूम्स को कहाँ कहाँ यूज़ करती हूँ, आई मीन कैसे यूज़ करती हूँ। पहले मैं अपने दोनों नेक के साइड लगाती हूँ, फिर अंडर आर्म्स में, देन थोड़ा सा ये जो हमारी जो ईयर होती है ना उसके बैक साइड में, और ये जो हैंड का ये होता है ना इसको क्या बोलते हैं, कलाई, यहाँ पे, और दोनों हैंड्स को फिर ऐसे मैं जॉइन कर लेती हूँ। एंड थोड़ा बहुत मैं अपने ड्रेस पे लगाती हूँ, टमी के पास, लेग्स के पास, फिर तो मैं पूरा नहा लेती हूँ। ये तो चीज़ें मेरी मेन मेन जगह थी जहाँ मैं यूज़ करती हूँ, बाकी तो फिर मैं ये मम्मी कहती क्या है, क्या कर रही है, नहा रही है क्या, फिर मैं पूरा परफ्यूम से नहा लेती हूँ। तो बड़ी प्यारी फ्रेगनेंस यार, बहुत प्यारी फ्रेगनेंस है, इसको रख देते हैं, जिसको भी लेना हो वो ये परचेज कर लेना, ऑफलाइन है गाइस, तो मैं इसका लिंक वगैरह कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। नाम देख लो, नाम देख लेना और आप लोग भी इसको परचेज करना, बहुत प्यारी फ्रेगनेंस है। और मैं क्या लाई हूँ, खास लाई और पर्स है मेरा, तो आज का दिन मेरा अच्छा गया। और गाइस पता है आपको एक चीज़ मेरे साथ क्या होती है, मैं ज़्यादा बॉटल्स ना कांच की लेती हूँ परफ्यूम की, तो मैं कांच की बॉटल ही ले लेती हूँ, और मैं रखती हूँ वो जो अलमारी का जो ऊपर वाला पोर्शन नहीं होता, ऊपर वाले जो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर वाला जो ड्रॉअर होता है, तो मैं उसमें रखती हूँ अलमारी के। और सडन क्या होता है ना कि मैं जल्दी जल्दी में होती हूँ और मैं फिर उसको उतारती हूँ, और एक दो बॉटल्स तो मेरी टक 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 बस उनका काम खत्म हो जाता है वहीं पे। ऐसे में कम से कम नाना करते करते मैंने 5-6 परफ्यूम्स तोड़ दिए हैं, जो आधे यूज़ करे हुए हैं या फिर जो यूज़ ही नहीं करे हैं, अभी नए के नए रखे हुए हैं, एक दो बार यूज़ करके रख दिया है। तो मैं ऐसे मैं अपने सारे परफ्यूम वेस्ट कर देती हूँ, और अभी तक जितने परफ्यूम्स मैं ले चुकी हूँ ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि मैंने वो परफ्यूम पूरा यूज़ करके उसके बाद मैंने उसको फेंका हो, या फिर उसके बाद उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई हो, ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, नहीं तो मेरे सारे परफ्यूम्स आधे में टूट जाएंगे, गिर के खो जाएंगे, छोटे छोटे मैं पर्स में कैरी करती हूँ, उसके बाद उनका पता ही रहता नहीं होता वो कहाँ चले गए, या फिर बच्चों मेरे घर में बच्चे हैं वो ऐसे स्प्रे कर करके पूरा उनको रूम फ्रेशनर और मेरे परफ्यूम में ऐसा लगता है फ़र्क पता नहीं चलता, वो अलग ही लेवल की बदमाश है, तो वो पूरा ऐसे 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 करके पूरा ख़त्म कर देंगे। या फिर एक बार तो क्या हुआ था, मेरा इतना अच्छा परफ्यूम था और उसको उन लोगों ने परफ्यूम स्प्रे कर करके पूरे रूम में स्प्रे करके, और सामने वाला हमारा छत है वो प्लॉट खाली सा है, वहाँ फेंक दिया। मॉर्निंग जब मैं उठी तो मैंने देखा, अरे वाह मेरा परफ्यूम तो वहाँ पड़ा गया है। ऐसे ऐसे कारनामे मेरे साथ हो चुके हैं, तो देखते हैं। बहुत प्यारी फ्रेगनेंस है गाइस, बहुत रिलैक्स सा मिल रहा है जब जब मैं इसे सूंघ रही हूँ। तो अब इस ब्लॉग को भी कर देती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि मैं बहुत दिन से कुछ भी यूट्यूब पे डाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर लूँ, थोड़ी सी बातें आप लोगों से शेयर कर लूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए एंड मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।